हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज। तो फाइनली ये मूवी इंडिया में रिलीज हो गई है ऑलमोस्ट 15 डेज डिले करने के बाद। इसका रीज़न कोई समझ में नहीं आया कि इंडिया में इसको 15 दिन बाद क्यों रिलीज़ किया गया है। बाकी सभी कंट्रीज़ में ये मूवी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुकी थी। और इस मूवी को इंडिया में दोनों ही लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है, हिंदी डब्ड और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है। और 3D और IMAX 3D और सभी तरह की 3Ds में इसको रिलीज़ किया गया है। तो गाइज़ सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि गाइज़ ये मूवी आपको हॉल पर देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये मूवी आपका टाइम डिजर्व करती है या नहीं करती है, सभी कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और गाइज़ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले हॉल पर जाना पड़ता है, फिर शूट करना पड़ता है और फिर उसके बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है। तो गाइस सभी कुछ हम अकेले ही करते हैं क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो है नहीं कि प्रोफेशनल बंदों को हायर किया जाए और उनसे करवाया जाए, छोटा सा चैनल है। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए और बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बारे में। इस मूवी की जो लेंथ है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट की है और इसमें जो लीड रोल में वन ऑफ माय फेवरेट टॉम हार्डी, वुडी हैरिसन, नॉमी हैरिस एंड मिचेल विलियम ये लीड रोल में हैं। और काफ़ी शॉर्ट मूवी बनाई गई है जिसको जो आपको सिर्फ देगी एंटरटेनमेंट। आप हॉल में जाइए, मूड फ्रेश करिए, वन टाइम वॉच मूवी है जो आपको पसंद आएगी और हमारी मास ऑडियंस को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सिर्फ एक्शन 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 और बहुत ही फास्ट पेस पर ये मूवी बनाई गई है। तो आपको मेरे हिसाब से तो ये मूवी जो है हॉल पर देखनी चाहिए क्योंकि एक्शन का मज़ा जो आएगा वो आपको बड़ी स्क्रीन पे ही आएगा। तो गाइज़ अगर आप फैमिली के साथ एक मूवी देखना चाहते हैं और एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो आपको ये मूवी हॉल पे ही जाकर देखनी चाहिए। तो गाइज़ कहानी की बात करें तो कहानी में कुछ ज़्यादा नया तो है नहीं, इसका ट्रेलर देखने के बाद ही पता लग गया था कि इसमें एक्चुअली में क्या दिखाया जाएगा। एक्चुअली में इसमें वेनम और कार्नेज के बीच में जो एपिक फाइट होने वाली है उसी के बेस पर ये मूवी चलती है पूरी की पूरी। और स्टार्टिंग में जो जहां वेनम 1 से ख़त्म होती है मूवी वहीं से स्टार्ट होती है। अब वेनम और एडी ब्रॉक जो हैं वो अपना रिलेशन थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और जो बीच बीच में वेनम की आवाज़ आती है बार बार, वेनम उससे आर्ग्यू करता है और समझने की कोशिश करते हैं दोनों एक दूसरे को, तो वो देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, तो ठीक ठाक डायरेक्शन इस मूवी में दिया गया है जो आपको पसंद आएगा। और बात करें कि ये मूवी किन लोगों को पसंद आएगी किन लोगों को नहीं आएगी, अगर आप वेनम के डाई हार्ट फैन हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वेनम से तो आपको मायूस होना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ ये वन टाइम वॉच मूवी है जिसको आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम निकल के आएगा वो यूजुअली निकल के आएगा टॉम हार्डी का। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, पिछली मूवी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसमें भी, क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए ही जाने जाते हैं और उनकी जितनी भी मूवी आप देखेंगे उठाकर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रहती है। उसके अलावा बात करें हमारे विलन की तो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और जहाँ जहाँ वो आते हैं डार्कनेस आ जाती है मूवी के अंदर। बाकी अदर कैरेक्टर्स की बात करें तो कार्नेज की गर्लफ्रेंड का जो कैरेक्टर है वो उसको ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं दिखाया गया है, तो उस कैरेक्टर को मैं अगर कहूँगा हार्ड वर्डों में तो उसको वेस्ट ही किया गया है। बाकी हमारी जो लीड एक्ट्रेस हैं उनका काम कुछ ज़्यादा है नहीं इस मूवी में। एक ही बार वेनम बनती हैं और पिछली मूवी में भी एक बार वेनम बनती थी, पिछली मूवी में थोड़ा था काम लेकिन इस मूवी में तो और ही बिल्कुल उनका ज़्यादा काम है ही नहीं। बात करें एक्शंस और ग्राफिक की, तो एक्शन और ग्राफिक्स इस मूवी की जान है। जिसके लिए आप ये मूवी देख सकते हो वो हैं इसके एक्शंस और इसके ग्राफिक्स जो कि कमाल के हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि क्रिटिक्स को ये मूवी कैसी लगी है। तो गाइस क्रिटिक्स को ये मूवी वन टाइम वॉच लगी है, ठीक ठाक मूवी है। इसकी जो IMDb पर रेटिंग अवेलेबल है वो 6.5 की है, हो सकता है और डाउन थोड़ा सा हो जाए। अगर बात करें मेरी कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, तो गाइस बहुत दिनों से मूवी कम रिलीज़ हुई हैं, काफ़ी दिन बाद मूवीज़ रिलीज़ होना शुरू हुई हैं, तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी है जिसको आप इंजॉय कर सकते हो हॉल में जाके अपनी फैमिली के साथ और आकर भूल जाइए, ख़त्म कहानी। एक मूवी संडे और सैटरडे का टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छी मूवी है जो आपको देखनी चाहिए और मैं रिकमेंड करूँगा कि हॉल पर ही देखनी चाहिए। तो गाइज़ अगर मेरा रिव्यू आपको ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल को, जिसमें यार वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका थोड़ा सा बस 1 सेकेंड का टाइम जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए वीडियो को। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।